मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर और ट्रेवलर। तो गाइज फिलहाल मैं खड़ा हूँ तल्ली ताल में और करते हैं एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग का स्टार्ट। देख सकता हूँ मेरे पीछे नैनीताल लेक। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे नैनीताल ब्लॉग। तल्ली ताल से ही ये बोटिंग स्टार्ट हो जाती है, देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स ये है तल्ली ताल और यहाँ से ये बोटिंग स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं मैंने हायर किया है फिलहाल रिक्शा और यह है नैनीताल की मशहूर रोड मॉल रोड। 20 रुपीज़ में तल्ली ताल से मल्ली ताल मैंने अपनी बाइक स्टैंड पर पार्क कर दी है। तो नैनीताल घूमने का असली मज़ा तो या तो पैदल है या फिर रिक्शों में। देख सकते हैं मेरे पीछे नैनीताल लेक और ये है नैनीताल की मशहूर मॉल रोड। तो 20 रुपीज़ में हायर किया है और जब हम पहले इधर आते थे तो एक 3 रुपीज़ था, फिर 5 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़, अभी 20 रुपीज़ हो गया है। तो गाइज कोरोना टाइम चल रहा है बट नैनीताल पूरी तरह पैकअप हो चुका है, 90% होटल पैकअप हो चुके हैं। तो फिलहाल तो कोरोना टाइम पर बच्चों के स्कूल तो पूरे क्लोज हैं। तो गाइज मैं एडवाइज़ करूँगा कि आप आइए नैनीताल में और मेरी तरह घूमिए, रिक्शा हायर कीजिए। कहते हैं कि उसी जगह के बारे में बेहतरीन जानकारी आप दे सकते हो जिस जगह पर आप रहे हो, जिस जगह के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो गाइज मैं फ़िलहाल हूँ नैनीताल लेक और लाइफ के लगभग 12 या 14 साल मैंने इधर काटे हैं। तो गाइज मैं नैनीताल के बारे में इतनी बेहतरीन तरीके से जानता हूँ शायद आपको कोई भी ब्लॉगर नहीं बता सकता। तो फिलहाल मैंने हायर की एक बोट और ये भाई बोट चला रहे हैं। तो देख सकते हैं आप फिलहाल मैं मल्ली ताल से जा रहा हूँ तल्ली ताल की तरफ और मल्ली ताल का ये DSB कैंपस जिसमें क्रिकेट मैच होते हैं और बैक साइड में देख सकते हैं आप ये है कॉलेज और ये है बोट और मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं वो है नैनीताल की मशहूर माल रोड। तो गाइज फिलहाल के लिए मैं बोटिंग कर रहा हूँ, 160 रुपीज़ का रेंट है। नैनीताल पूरी तरह इस कोरोना के टाइम पर भी जितने भी फॉरेन में जाने वाले टूरिस्ट हैं वो भी इधर ही आ रखे हैं। तो 90% यहाँ होटल्स बुक हो चुके हैं। तो गाइज अगर आपको नैनीताल घूमना है तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए। देख सकते हैं आप कितनी ब्यूटीफुल सी लेक है और बहुत अच्छा वेदर है, कोई फॉग नहीं है और पूरा लेक आप चारों तरफ से कहीं से भी 360 डिग्री से कहीं से भी देखें पूरा लेक आप देख सकते हैं। वो गाइज ये नंदा देवी, उसके बगल में गुरुद्वारा और इसी के साथ लिंक में ये रोड लगी हुई और फिलहाल मेरी बोट जा रही है, ये छोटे भाई चला रहे हैं और ये है ठंडी रोड। तो गाइज फिलहाल माल रोड के बारे में आपको सभी बताते हैं बट ठंडी रोड है। अब ठंडी रोड क्यों कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं बट इसमें काफ़ी सारे मंदिर हैं, 3 या 4 मंदिर हैं। और फिलहाल ये भाई ले जा रहे हैं हमें ठंडी रोड की तरफ और ये देख सकते हैं आप ये है माल रोड और सामने नैनीताल का मशहूर लाइब्रेरी। और गाइज आप देख सकते हैं ऊपर 7 नंबर। और गाइज अभी अभी मुझे भैया ने जानकारी दी है कि ये जो ट्रॉली चलती है ऊपर रोप वे है तो फिलहाल कोरोना की वजह से बंद है बट जल्दी ही खुलने वाली है कुछ इसका, 15 अगस्त तक मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था। तो फिलहाल ट्रॉली तो नहीं चल रही बट बोट ओपन हो चुकी हैं, पैडल बोट हायर कर सकते हैं आप और उससे अगर सस्ता चाहिए तो मेरी तरह इस बोट में आ जाइए, पतवार वाली बोट।
तो दोबारा से एक व्यू ले लेते हैं नंदा देवी मंदिर का, थोड़ा सा जूम करके। यह नंदा देवी मंदिर गाइज, एक बार मैं और जाऊंगा उधर, और उसी के जस्ट ये राइट साइड में ये है गुरुद्वारा साहिब। फ्रेंड्स, फिलहाल आप देख रहे हैं ये कुछ डक की और ड्रैगन के स्टाइल के ये हैं पैडल बोट। तो फिलहाल मैं अकेला हूँ इसलिए मैंने पैडल बोट हायर नहीं किया। और ये है नैनीताल की मशहूर माल रोड, तो इसके साथ साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं नैनीताल में। ये पूरा तल्लीताल और यहाँ से ये पूरा माल रोड होते हुए ये फिलहाल मैं इधर आया था मल्लीताल। सो फ्रेंड, फिलहाल ये 1.5 किलोमीटर की लेक का चक्कर लगा कर मैं किनारे पर आ गया हूँ, देख सकते हैं आप। और ये पीछे का लेक का नज़ारा। तो गाइज आइए नैनीताल घूमिए, एंजॉय कीजिए मेरी तरह। सो फ्रेंड्स, भैया जी हमारे एक बोट और साथ में टो करके ले जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप खाली बोट। तो आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, फ्री कॉस्ट है इसका। और एक बोट में मैं बैठा हूँ और एक बोट और चल रही है साथ में, और वो भी बिना पतवार के। सो गाइस, एक बोट आपके लिए खाली छोड़ी है, तो आइए नैनीताल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। सो गाइस, फिलहाल मेरी बोट हो चुकी है पार्क, देख सकते हैं आप किनारे पर काफ़ी टूरिस्ट बैठे हुए हैं। और ये बोट, और इसी में लाइफ जैकेट भी है, और ये नैनीताल का लेक। वैसे आप देख सकते हैं यह है नैनीताल की मशहूर मस्जिद, और यह है नैनीताल का क्रिकेट फील्ड जहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल सारे कोर्ट बने हुए हैं। तो हर सीजन में यहाँ पर गेम्स चलते रहते हैं। फिलहाल टेनिस बॉल क्रिकेट मैच हो रहा था, और देख सकते हैं गाइस नैनीताल और यह मस्जिद। इसके बाद हम जाएंगे गाइस भोटिया मार्केट, भोटिया मार्केट जाकर और सोनम के मशहूर मोमो और चाउमीन, शायद मैं मोमो खाऊँगा, तो कुछ मोमोज खाएंगे। उसके बाद मैं भोटिया मार्केट में हो सकता है एक जैकेट लूं, और उसके बाद फिर हम चलेंगे नंदा देवी मंदिर। अंदर इन कर गए हैं नंदा देवी परिसर में, तो मैं आपको दर्शन कराता हूं मां नंदा देवी के। Thank you.
तो जहाँ से मैं रिक्शा में आया था वो मेरे ठीक अपोजिट साइड वो है माल रोड और ये है ठंडी सड़क। तो गाइज यहाँ पर आके आपको बिल्कुल एसी की ज़रूरत नहीं है, एसी से भी ज़्यादा कूल है ये रोड। और शायद इसे ठंडी रोड इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा ठंडी रहती है, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत कम आती है, ऊपर से जो जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं उनकी छाया इधर आती है और काफ़ी मंदिर हैं इधर। तो फिलहाल आपको नैनीताल के विजिट पे किसी ने भी दिखाया नहीं होगा, ठंडी सड़क में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे मंदिरों के दर्शन कराऊँगा। तो गाइज ये रही ठंडी सड़क। तो जो हमें सबसे पहला मंदिर मिला गाइज वह है शनिदेव ठंडी सड़क नैनीताल, ये देख सकते हैं आप। यह है ठंडी सड़क और शनिदेव का मंदिर। सो फ्रेंड यह है गोलदेव देव का मंदिर। गोलदेव का सो गए जी, यह है भगवान शंकर का मंदिर, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर विराजमान है हनुमान जी। और ये जो मेन मंदिर है फिलहाल ये कोरोना की वजह से बंद किया गया है, मंगल शिवधाम मंदिर। अभी मैं आ गया हूँ श्री पाषाण देवा के मंदिर में। तो गाइस आप देख सकते हैं फिलहाल वो छोटे छोटे मंदिर बंद थे, बट ये मंदिर ओपन है। बट मैं अभी मंदिर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप श्री पाषाण मंदिर। सेंटर है मल्लीताल का इलाका, मैंने आपको कवर करवा दिया था। नहीं मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये फिलहाल तल्लीताल है और मल्लीताल ये पेड़ से छुप गया है। तो गाइज ये है नैनीताल, आप देख सकते हैं सरोवर नगरी पूरी तरह पैकअप हो चुका है टूरिस्ट से, बहुत ज़्यादा पर्यटक इधर आ गए हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं मैं फिलहाल ठंडी सड़क पर हूँ और मेरे अपोजिट साइड जहाँ से मैंने रिक्शा से ट्रेवल किया था वो था माल रोड। तो गाइज आइए नैनीताल में रहिए कुछ दिन, और फिलहाल ब्लॉग अभी बची हुई है तो बने रहिए मेरे साथ, कुछ ब्यूटीफुल सी प्लेस नैनीताल की और दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप देख रहे हैं ठंडी सड़क से नैनीताल का नज़ारा, और ये मेरे ऑपोजिट साइड में वो है माल रोड। और ये ठंडी सड़क है और ये बोट का कुछ वर्क चल रहा है, ये बोट उल्टी करके रखी है और फिलहाल आप देख सकते हैं एक बोट यहाँ पर भी तैयार बैठी है। तो इसके बाद ये लेक का फुल व्यू आप देख सकते हैं गाइज, और इसके बाद ये पूरी तरह ये फ़िलहाल मैं ठंडी सड़क से मल्लीताल की तरफ को आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ। और ये है पूरी नैनीताल सिटी जो पूरी पहाड़ियों के बीच में बसी हुई है। और गाइज आप देख सकते हैं इस झील का पानी अगर ऊपर से देखो तो नीला दिखता है, और आप उस झील के समतल बैठ जाएँ तो आपको यह हरे कलर का दिखेगा, और बहुत ही साफ़ और स्वच्छ पानी है। और फिलहाल यहाँ पर मछलियों को किल करना भी अलाउड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फिश हैं इधर। तो फिलहाल हम जा रहे हैं ठंडी सड़क से तल्लीताल की तरफ। तो गाइज फिर मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के पास जो मैंने पार्क की है तल्लीताल में, और मैं पहले रिक्शा से और अभी पैदल फिर वापस तल्लीताल आया। तो इसके बाद मैं जाऊँगा कैलिवरी, तो कैलिवरी रोड में जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको हाइट से नैनीताल का फुल व्यू दिखाऊंगा। तो काफ़ी फेमस है उधर से, तो मेरे पास फ़िलहाल अपना व्हीकल है तो मैं कैलिवरी जाके और आपको वहाँ से फुल व्यू दिखाऊंगा नैनीताल का। तो आप देख सकते हैं गाइस मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ कैलिवरी, और इसी को बोलते हैं कैलिवरी रोड, और स्नो व्यू पॉइंट है उधर का उस जगह का नाम जहाँ से मैं आपको नैनीताल का फुल व्यू दिखाऊँगा। तो रोप वे फिलहाल बंद है तो इसलिए मुझे अपने ही व्हीकल से जाना पड़ रहा है। तो फिलहाल 17 अगस्त तक कुछ सुना है कि रोप वे खुल जाएगा, कोरोना की वजह से वो बंद हुआ था। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रोड है, काफ़ी हाइट में है ये रोड, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर। तो उधर से मैं जा रहा हूँ स्नो व्यू, ये कैलिवरी रोड है और उसके बाद मैं जा रहा हूँ स्नो व्यू, और स्नो व्यू से आपको दिखाऊँगा नैनीताल के हाइट के नैनीताल का ऊपर से मैं व्यू दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप गाइस
बेहतरीन व्यू देख सकते हैं आप। इसे इस व्यू को पाने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे नैनीताल यहाँ से जितना सुंदर दिखता है ऐसा और कहीं से नहीं दिखता है। देख सकते हैं आप पूरा नैनीताल का सेप, ये नैनीताल के लेक का पूरा सेप आपको दिखाई देगा इन चीड़ और देवदार के वृक्षों के बीच से। तो ये बेहतरीन जगह नैनीताल देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ गाइस, करता हूँ नैनीताल का ब्लॉक का दाइन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह है नैनीताल सिटी और ये मल्लीताल का इलाका है। मेरे ठीक जस्ट नीचे यह है सूखा ताल, शायद यहाँ पर कोई पानी वानी नहीं है इसीलिए इसको बोलते हैं सूखा ताल। तो गाइज करता हूँ ब्लॉक का दाइन, पर इसके बाद मैं जाऊँगा शीतला ताल और खुरपा ताल। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ, मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी लेक है और वहाँ पर एक पिकनिक प्लेस भी है और वहाँ पर मैगी पॉइंट भी है, तो वहाँ पर मैगी खाएंगे और देखेंगे शीतला ताल और एक दूर से व्यू है वो देखेंगे हम खुरपा ताल। तो गाइज बने रहिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो लेट्स गो शीतला ताल।